दुष्कर्म के दोषी गुरमीत राम रहीम इस समय जेल की रोटियां खा रहे हैं। गुरमीत राम रहीम काली करतूतों की राजदार, उसकी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत पर देशद्रोह का आरोप हट सकता है। हनीप्रीत के अलावा पंचकुला में हिंसा में शामिल रहे राम रहीम के भक्तों पर से भी देशद्रोह के आरोप हटाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोषियों के खिलाफ प्रमाणिक सबूत नहीं मिल पा रहे, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि सारे आरोप खारिज कर दिए जाएं। पता हो आपको कि 25 अगस्त को पंचकुला की अदालत द्वारा राम रहीम को रेप का आरोपी आपको पता हो कि 25 अगस्त को पंचकुला की अदालत द्वारा राम रहीम को दुष्कर्म का दोषी करार दिए जाने के बाद राम रहीम के भक्तों ने पंचकुला सहित देश के विभिन्न हिस्सों में जमकर हिंसा और आगजनी की थी। हनीप्रीत हिंसा पर डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप है। अब सवाल ये उठता है कि अगर दोषी नहीं है तो पकड़ा क्यों गया था? कहीं दोषियों को बचाने के लिए हरियाणा सरकार के ऊपर कोई दबाव या फिर हरियाणा में चुनाव को देखते हुए कोई चाल तो नहीं चली जा रही है? SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।